अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हाँ जी, हाँ नहीं लगता है, हाँ सर एक पढ़ो ऊपर से क्लास में निकालो जैसे भी करो जैसे भी करो हाँ तो ये तो हाँ तो करो वाली छुट्टी नंबर है एक डेट होगी ना इसमें। ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बन रही थी जिसको लेकर शिकायत हुई थी, तो आप अभी कहाँ पर है और कौन कौन सी टीम यहाँ पर आई है? ये राजस्व विभाग की टीम आई है और इसमें सीएस साहब भी हैं, तो हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि ये मटेरियल जो है क्वालिटी वाला है या नहीं है। तो इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसकी जाँच के लिए भेज रहे हैं हम लोग। पहले सीएमएल लाइन में भी इसी क्वालिटी को लेकर शिकायत हुई थी, आप तक ये शिकायत पहुँची थी? मैं देखती हूँ इस शिकायत के बारे में। मैडम अभी खुदाई में काली मिट्टी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्या काली मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, काली मिट्टी का प्रयोग वर्जित है। मैडम इसमें कुछ पेड़ों की कटिंग के भी लकड़ियाँ वगैरह निकली हैं, क्या कुछ आप बताएंगे इसमें? ये लकड़ियाँ निकली हैं और ये लकड़ियाँ निकलना नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसकी वजह से बिल्डिंग धस सकती है और भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। बड़ी लापरवाही सामने आई है आपकी? लापरवाही सामने आई है इसमें। मैडम यहाँ क्या बन रहा था, किस प्रकार का निर्माण हो रहा था? यहाँ ट्रामा सेंटर बन रहा था, ये इमरजेंसी के जो भी मरीज आते हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे और वो भर्ती होंगे, और ये 50 बेड का बन रहा है। इस प्रकार की अनियमितताएं को देखते हुए आप कुछ क्या कहना चाहेंगी? अनियमितता को देखते हुए यही कहना चाहेंगे कि इसमें सुधार होना चाहिए, तभी काम आगे बढ़े, वरना इस पर रोक लगा देनी चाहिए। सर जो जिला अस्पताल में एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, कौन सा बिल्डिंग, इसकी इसका काफ़ी आपने विरोध किया था और आज यहाँ पर कई सारे अधिकारी हम पहुँचे हैं जांच करने के लिए, क्या कहेंगे सर? जिला चिकित्सालय में ट्रिपल सी का कार्य किया जाना था, जिसको कि बीडीसी को इसका एजेंसी दी गई थी, उसके एजेंसी को सुपरविजन करना था, तो यहाँ पर ठेकेदार द्वारा कुछ बिलो क्वालिटी का कार्य किया जा रहा होगा, ऐसी शिकायत जिला प्रशासन के पास भी पहुँची है, तो कलेक्टर साहब ने एक टीम बना करके PWDE को ये निर्देश दिए हैं कि जो शिकायत के बिंदु दी गए हैं उन सबके बिंदुओं की जाँच करें और उसके परिणाम को मेरे सामने प्रस्तुत करें। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज PWD के विभाग जिला प्रशासन आज यहाँ पर आए हैं और JCB लेकर के आए हैं, और नीचे फुटिंग वगैरह जो भी शिकायत की गई थी उनकी ली जा रही है, और जो सैम्पलिंग टेस्टिंग के लिए की गई हैं उनको भी टेस्ट किया जा रहा है, और इनको
इंदौर भी भेजने का प्लान है कि जहाँ की इंदौर के लैब से भी इनकी पुनः टेस्टिंग कराई जाए। क्या किस प्रकार की अनियमितताएं भी देखने को मिली? कुछ इस तरह का रहना है, जैसे नीचे कहा गया है कि शायद इसमें लोहा कम लगाया गया है, सरिये कम डाले गए हैं, या मुरम नहीं डाली गई है, काली मिट्टी डाली गई है, इस तरह की कुछ शिकायतें की गई थी, जिसकी गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने की वजह से भविष्य में ये बिल्डिंग गुणवत्तापूर्ण बनने पर कभी भी आस में दुर्घटना भी हो सकती है, इसी की शुरुआत में ही मालूम पड़ गया है, इसलिए उसकी जांच की जा रही है। अगर सर ये मतलब पूरी तरह से गलत निकलती है तो क्या इसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? निश्चित रूप से जिला प्रशासन की तरफ से जब एक रिपोर्ट शासन को जाएगी तो उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। और अभी खुदाई के दौरान काफ़ी काली मिट्टी दिखाई दे रही है, मुरम नहीं दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे वगैरह भी नीचे भूसा वगैरह भी दिख रहा है, कुछ तो भी मटेरियल नजर आ रहा है। टीम वही उन चीज़ों को सब सैंपल ले रही है और उसी की अपनी एक रिपोर्ट बना करके कलेक्टर साहब को प्रस्तुत करेगी। यहाँ पर जो है कुछ शिकायत आई थी और शिकायत के बाद यहाँ पर कई विसंगतियाँ पाई गई हैं, क्या कुछ मामला था? कोई विसंगति नहीं, जो जो शिकायत कर रहे हैं वो खुद प्रकाश पर्सन है साइड पर, क्योंकि उसमें लेटर भी नहीं है कि अभी हम काम कर रहे हैं, लेबरों को परेशान कर रहे हैं, दूसरे उनको साइड से हटा दिया है, उस बात को लेकर वो अपना दे रहे हैं। लेकिन किस तरह का ध्यान दे रहे हैं आप? काली मिट्टी निकल रही है, बहुत सारी चीज़ें, आप जहाँ खोद रहे हैं ओपनिंग खत्म हो चुकी है, उसका 750 डिस्टेंस देती है, वो काली मिट्टी आप खोद रहे हैं, अभी आप सामने पूरा खुदवा दिया जाएगा। बहुत सारी अनियमितताएं पाई जा रही है यहाँ पर और लगातार क्या है, क्या कहते हैं आपको इसकी जानकारी भी व्हाट्सएप के थ्रू दी गई, मैसेजेस जो है आपके स्क्रीन शॉट वगैरह भी आए हैं हमारे पास, कोई जानकारी नहीं है इसकी आपके ग्रुप में जो चलते हैं? ग्रुप सारे में ग्रुप अवेलेबल है, जो पर्सन हमारा साइड पर आया था, चेक करता है। अच्छा, ये कब तक उतरा इस थे यहाँ पे? ये थे नहीं उतरा, एक बार भी नहीं थे, एक बार भी नहीं है। मतलब किसकी कंपनी है ये, किसकी कंपनी है? एल एन मालवी की तरफ से थे, इनको एल एन मालवी से अर्जेंटली दी थी, बट एल एन मालवी इनको अपॉइंटमेंट लेटर इनको नहीं दिया हुआ है। पर ये किसकी, ये कंपनी किसकी है जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है? कौन है? एम एस भरत गुप्ता का काम चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये काली मिट्टी और क्या कहते हैं ये बारीक चूड़ी का यूज़ कर सकते हैं क्या? काली चूड़ी पीडब्ल्यू के सर्कुलर पर पढ़ लीजिए, आप पता चलेगा आपको। लेकिन आपके उसमें तो है ही नहीं, हमने जहाँ तक की जाँच करी हमको पता लगा कि काली चूड़ी का आप प्रयोग नहीं कर सकते। काम कर रहे हैं पीडब्ल्यू काम कर रहे हैं, तो आप उसमें पीडब्ल्यू का एसवर पढ़ सकते हैं, उसमें एक क्लॉज लिखा है। पीडब्ल्यू का काम थोड़ी है भाई साहब, काम पीडब्ल्यू का काम पीडब्ल्यू के एसवर से ही होता है सर, अगर पैसे भी आप काम करेंगे तो पीडब्ल्यू के एसवर से ही काम चलेगा। क्या नाम क्या आपका? आशीष रघुवंशी। आशीष रघुवंशी, ये बताइए आपने क्या कुछ शिकायत देखी थी और क्या कुछ देखा था यहाँ पर? मैं एसक्यूसी एल एन मालवीय का यहाँ पे फील्ड इंजीनियर हूँ, एमपीपीडी का काम चल रहा है, तो यहाँ पर ये काम चल रहा था, तो जो भी गलत काम हो रहा था मैं उसकी अपडेट मेरे साहब को दे जा रहा था, वो काम गलत चल रहा है, साहब एक्शन ले ले, फिर काम गलत चल रहा है, फिर एक्शन ले ले, 15 दिन मेरी ज्वाइनिंग के ऊपर, अब ये काम इतना गलत होने लग गया कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मतलब आधे ही डाल रहे हैं, सरिये नहीं डाल रहे हैं, सरिये नहीं डाल रहे हैं, सीमेंट आदि डाल रहे हैं, ऊपर से चूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं जो डीपीआर में है नहीं, काली मिट्टी भर रहे हैं, और ऊपर से मेरी परमिशन लेते नहीं और ये काम कर देते हैं, आरएफआई मेरे से लेते नहीं और ये काम कर देते हैं। मैं साहब को बराबर इन्फॉर्म करता, अब दिक्कत ही आ रही थी मेरे को साहब की तरफ से प्रेशर काम से कराने का, एक इधर सुनता नहीं है, तो इस वजह से मैं किधर से, मैं तो दोनों तरफ से मर रहा था, तो फिर मैंने इसीलिए बोला सर कार्रवाई करो, क्योंकि फिर आप देखो तो मेरे को बोलते मेरा ट्रांसफर करवा देंगे। अच्छा, तो आपको किसी प्रकार का कोई दबाव भी दे रहे थे कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले? हाँ, दोनों तरफ से आ रहा था ना, यहाँ पे उमेश शर्मा एनएचएम का इंजीनियर है, वो यहाँ पे आके ठेकेदार को बोलता है कि आप जो है मेरी मर्जी से सरिया डालो, सीमेंट डालो, नहीं तो ठेकेदार आपको बहुत नुकसान होगा। ये जो गड्ढे में काली मिट्टी निकल रही, क्या इसके लिए भी आपने रोका था? हाँ, मैंने बराबर रोका था, कलेक्टर साहब की विजिट भी हुई थी, तो विजिट के पहले इन्होंने ऊपर से गुरम गुरम डाल के काली मिट्टी छुपा दी। आपका नाम बता दें। अच्छा, ये आपने एक इंजीनियर की भी शिकायत करी थी? उमेश शर्मा। क्या शर्मा, ये नेशनल हेल्थ मिशन का है, यहाँ पे आके बस इनको साइड बढ़ाने का काम था, लेकिन ये क्या है कि सरिये डालो, सीमेंट कम डालो, ठेकेदार मेरी तरह से काम करेगा, तो मेरे को भी काम करने से रोकता है। तो उनका तो उज्जैन में पोस्टिंग है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? वही तो मेरा ये मैंने ऑब्जेक्शन से आपको बोला, मैंने बोला सर उज्जैन में पोस्टिंग है, वो आदमी क्या कर रहा है, तो मेरे ऊपर ही कार्रवाई करने का बोल रहे थे कि आपको चुपचाप काम करते रहो, नहीं आपका ट्रांसफर करवा। आप किसके लिए काम करते थे? एल एन मालवीय, एस की सुपरविजन क्वालिटी कंट्रोल कंपनी। आपका नाम बता दें। किस तरह की लापरवाही है सर? शेख कितने जगह है सर? ये बहुत सारा, यहाँ से आप यहाँ तक तो मुझे होंगे, उसमें तो चूड़ी का ट्रक खाली हुआ था, जिसकी वीडियो बनाई चुकी है आप, पूरी का चूड़ी का ट्रक डाल दिया इन्होंने, तो रेत पूरी ऐसी कैसी पड़ी, आप फोटो कल भी लेते तो आज भी देखा पूरी रेत पड़ी है। मैं अपनी मतलब नौकरी करता हूँ तो नौकरी करने नहीं दे रहा है। आपका नाम क्या है? असद शेख। रोल सर, सर बताएं अभी आप कहाँ पहुँचे और क्या शिकायत मिली थी सर? ये जिला चिकित्सालय में जो निर्माणाधीन भवन है, सीसीसी यूनिट है, इसके संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया है कि इसकी एक व्यवस्थित और विस्तृत जांच हो दल के द्वारा, और जिन बिंदुओं पर शिकायत हुई है, इसके निर्माण कार्य की जो घटिया गुणवत्ता है उसके संबंध में, तो हमारी ईपीडब्ल्यूडी के नेतृत्व में सीएस और सीएमएचओ की उपस्थिति में, और जो हमारे जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी हैं डिप्टी कलेक्टर अभिषेक शर्मा, तो पूरी जाँच की जा रही है उसकी, और उनको बिंदुवार रिपोर्ट देने के लिए कहा है, अभी शुरू हो गई है, अब रिपोर्ट आने के बाद फिर आप। सर, खुदाई के दौरान काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो टीम हमारी देखेगी उसमें क्या लगना था, क्योंकि हमारे पास अप्रूव्ड प्लान है उनका, और उसके हिसाब से हम जांच करें। सर, क्या किस प्रकार के भवन का निर्माण हो रहा था यहाँ पर? ये क्रिटिकल केयर सेंटर है जी, उसके निर्माण का है।
सर अभी जो जो विसंगतियाँ पाई गई हैं, अनियमितता पाई देखी गई है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? रिपोर्ट आने के बाद ही फिर सर अभी कोई एक्शन लेने की बात आई क्या सामने? इसीलिए जाँच हो रही है ताकि कुछ गलत होता है तो उस पर कार्रवाई की। धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू।